वो आपके शौहर नहीं आए? वो आते, लेकिन ऐसे बिना बुलाए आना उन्हें अच्छा नहीं लग रहा था। इतना एटीट्यूड बेटी की शादी में लगा देते तो कितना अच्छा होता। जी दरअसल हम चाहते थे कि जरा धूमधाम से शादी हो। हमारा तो बस अकलौता ही बेटा है ना जी। जी कह तो आप ठीक रहे हैं, लेकिन सालार ने बहुत जिद की थी ना, इसलिए हम लोग तो डर गए थे, वरना हमारी सितारा का निकाह तो सलमान से तय था। सलमान से? जी सलमान से। लेकिन इसकी तो कासिम से मंगनी थी ना। जी कासिम से मंगनी तुड़वा कर ही तो सारार ने सितारा से मंगनी की थी, लेकिन फिर कहने लगा कि मेरे घर वाले नहीं मान रहे, तो हमने सलमान से निकाह तय कर दिया सितारा का। फिर पता नहीं भाई क्या हुआ अचानक। हाँ बेटा, घर दिखा दिया? जी गुड। सालार बेटा, इनको ड्रॉप करवा दो। श्योर। नहीं हम अपनी गाड़ी में आए हैं, हम चले जाएंगे। बेगम साहिबा, साहिबा बीबी आई हैं, उन्हें कहाँ बिठाना है? मैडम को लॉन्ज में बिठवाइए। जी अच्छा। बेटे आप इनको सी ऑफ कर देंगे? थैंक जी यू जी, शुक्रिया। अच्छा, तो फिर हम चलते हैं। जी, खुदा हाफिज, खुदा खुदा हाफिज। हाफिज, खुदा हाफिज, चलो। खुदा हाफिज। ओके बेटा। भाई माशाल्लाह माशाल्लाह से घर तो बहुत ही अच्छा है, अल्लाह तुम्हें रहना बरतना नसीब करे। वैसे वलीमा कब कर रहे हैं ये लोग, कुछ पता? नहीं मुझे नहीं पता अभी। वलीमा तो भाई रसम होती है, पता करो ना। रसम तो नाश्ते के बाद दुल्हन के घर जाने की भी होती है। हाँ होती है रसम, और मैं तो चाह रही थी कि तुम चलो, लेकिन तुम्हारा अपना भाई और वो तुम्हारे ताया। जब वलीमा होगा तो बता दूंगी आप लोगों को। खुदा हाफिज़। एक्सक्यूज मी। चार पैसे क्या आ गए भाई, मिजाज ही नहीं मिल रहा है। इतरा गई लड़की, इतरा गई।